आज हम सभी देखने वाले हैं, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों में जो एनर्जी मीटर लगा होता है उसमें बिजली बिल ज़्यादा आता है, तो हमारा यही ध्येय रहता है कि कम से कम बिजली बिल आए। तो उसी का निदान करने के लिए आज हम सभी देखने वाले हैं क्या करें कि बिजली बिल कम से कम आए। तो मान लीजिए हमारे घरों में ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग देखते हैं कि मोटर या फिर अलग अलग कमरों में अलग अलग फैन लगे होते हैं, तो ये मोटर हो गए चाहे स्टेबलाइजर हो गए, तो ये सारे सब इंडक्टिव लोड में आते हैं। इंडक्टिव लोड होने के कारण पावर फैक्टर हमारा डाउन हो जाता है। तो पावर फैक्टर डाउन होने से हमारे एनर्जी मीटर में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी को देखने वाले हैं। तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं, किसी भी एसी पावर फैक्टर एसी पावर को नापा जाता है, उसके लिए पावर होता है पी बराबर वी आई कॉस फाई होता है। तो भी हमारे घरों में लगभग आता है 220 से, सिंगल फेज का अगर वो चलाते हैं तो 220 वोल्ट के अराउंड आता है लगभग, तो कांस्टेंट रहता है। बट हमारे घरों में करंट की वैल्यू कभी कम कभी ज़्यादा आती है, तो भी आई कॉस फाई में भी कांस्टेंट होता है, स्थिर पावर पर भी अगर कांस्टेंट है, स्थिर पावर पर भी आई कॉस फाई में भी कांस्टेंट है, तो आई और कॉस फाई, तो आई और कॉस फाई में कॉस फाई पावर फैक्टर होता है। कॉस फाई जो होता है पावर फैक्टर, वो हमारे लोड पर डिपेंड करता है। अगर फैन लगा है, मोटर लगा है, स्टेबलाइजर लगा है, सब इंडक्टिव लोड लगे होते हैं, तो पावर फैक्टर हमारा डाउन हो जाएगा, यानी कॉस फाई का टोटल वैल्यू डाउन हो जाता है, जो कि अधिकतम रहेगा तो एक रहेगा और डाउन होगा तो 0.9, 0.8, 0.7, 0.3, 0.4 ऐसे रहता है। तो इस तरीके से दशमलव वाली संख्याओं का गुणा होता है तो टोटल सभी वैल्यू को कम कर देता है। इस प्रकार हम अगर स्थिर पावर पे भी आई कॉस फाई में भी अगर कांस्टेंट है, तो पावर फैक्टर डाउन होने पर करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, अगर पावर फैक्टर ज़्यादा है तो करंट का वैल्यू कम हो जाता है। इस प्रकार हमारा पावर बैलेंस रहता है। तो हमारे एनर्जी मीटर में अगर पावर फैक्टर डाउन होगा तो करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, इसी कारण से करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो करंट पर डिपेंड करता है ऊर्जा, जो ऊर्जा लॉसेस होता है इलेक्ट्रिकल पावर का लॉसेस जो होता है आई स्क्वायर आर टी, वो आई पर डिपेंड करता है। तो आई जितना ज़्यादा होगा एनर्जी मीटर उतना ज़्यादा लॉसेस को बताएगा और उतना ही ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई विद्युत ऊर्जा व्यय बताएगा, यानी कि बिजली बिल हमारे घर में ज़्यादा आएगी। इसीलिए हमें करंट के वैल्यू को अगर कम करना है तो अपने घर के पावर फैक्टर को सुधारना होगा, यानी कि 0.04 पावर फैक्टर है तो उसे हमें सुधार कर 0.1 के मतलब 1 के करीब लाना होगा, यानी 0.08 के करीब लाना होगा, 0.09 के करीब लाना होगा। तो उसी को हम देखते हैं अभी क्या होता है अगर पावर फैक्टर सुधरता है। मान लीजिए 0.04 पावर फैक्टर है, अगर सुधरता है 0.08 हो जाता है तो क्या करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसी को हम देखने वाले हैं आज। तो यहाँ हमारे पास एक ऑटो ट्रांसफार्मर इसके अंदर है, इसको हम 220 दिए हैं, यहाँ से हम वोल्टेज को बढ़ा करके इस ऑटो इसमें कंट्रोल किट है एक, इसके मदद से हम लोग वाटेज पढ़ सकते हैं, पावर फैक्टर पढ़ सकते हैं और वोल्टेज पढ़ सकते हैं, यहाँ करंट लिखा है करंट पढ़ सकते हैं और इसमें किलो वाट यानी एनर्जी पढ़ सकते हैं, कितना एनर्जी कितने समय में व्यय हुआ इसको हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसके द्वारा दो आउटपुट दिया गया है, यहाँ पर दो आउटपुट इधर प्लग सॉकेट के द्वारा और यहाँ बल्ब के द्वारा दो आउटपुट दिया गया है। तो हम यहाँ से एक फैन को चलाते हैं, आप देख सकते हैं उस टाइम पर वोल्टेज 227 वोल्ट है और इस टाइम पे इसको चलाते हैं तो हमारा ये फैन चल गया है, फैन तो चल गया। अब देखते हैं इसमें 220 या 227 वोल्ट दिखा रहा है, अब इसे हम देखते हैं करंट कितना दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट का वैल्यू इसमें कितना दिखा रहा है, 500 मिली एम्पियर करंट हमारा ये फैन ले रहा है, 500 मिली एम्पियर करंट ले रहा है और इस टाइम पर 500 मिली एम्पियर करंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ले रहा है, 504 मिली एम्पियर। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसका पावर फैक्टर यहाँ दबाएंगे, पावर फैक्टर का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं पावर फैक्टर का बटन, कॉस फाई का मान 0.51 पावर फैक्टर का मान है और उस टाइम पर एम्पियर ये है आई, तो इसको आई दबा दिया हमने तो कितना है 502 मिली एम्पियर, एक एम्पियर से कम है यानी मिली एम्पियर में। अभी देखना हम लोग इसको पावर फैक्टर सुधारेंगे, यानी पावर फैक्टर आप देख सकते हैं इसमें कितना है, अभी देखें वाटेज कितना ले रहा है हमारा फैन, 59 वाट, यानी 60 वाट का हमारा ये फैन है, 60 वाट का फैन है और हमें इसमें दिखा रहा है 59 वाट, लगभग सही दिखा रहा है। अभी आप देख सकते हैं पावर फैक्टर 0.5 जो दिखा रहा है, ठीक है, तो पावर फैक्टर अभी देखना चेंज हो जाएगा। इसमें हमें लगाया एक कंडेंसर, कंडेंसर जनरली आप लोग अपने घर में देखे होंगे फैन में लगा होता है, इसका हम
इसको लगा दिया है इसमें प्लग, इसमें सॉकेट के अंदर इसमें लगा करके इसे ऑन कर दिया, ऑन कर दिया तो आप देख सकते हैं 0.5 से 0.7 पावर फैक्टर हो गया। कितना हो गया? 0.7 या 0.8 के करीब हो गया, ठीक है, पावर फैक्टर आप देख सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने जैसे ही लगाया पावर फैक्टर कितना हो गया, 0.7 हो गया। फैन अभी हमारा चल ही रहा है। अब फिर आप देख सकते हैं यहाँ से पावर फैक्टर का वैल्यू बढ़ गया, तो आप देखिए यहाँ पर करंट का वैल्यू देखना, अभी पहले कितना आ गया, पहले 500 था, अब वही करंट कितना आने लगा, 380-87 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, यानी 500 से कम करंट आ रहा है, 500 से कम मिली एम्पियर करंट आ रहा है। इसका मतलब हमारा एनर्जी मीटर में कम करंट आएगा। कम करंट कब हुआ, जब हमने कैपेसिटर को इस तरीके से प्लग इन कर दिया इसके सॉकेट में, तो करंट का वैल्यू कम आएगा तो हमारा एनर्जी मीटर कम ऊर्जा लॉसेस बताएगा, अर्थात हमारे घर में बिजली बिल होगी जो वो कम आएगी। इस प्रकार आप सभी भी अपने घर में अगर बिजली बिल कम करवाना चाहते हैं तो अपने घर में जो भी बहुत प्रकार के आप इंडक्शन चूल्हा चलाते हैं, स्टेबलाइजर लगा होता है और बहुत सारे रूम में फैन लगा होता है, तो हमारा पावर फैक्टर डाउन हो जाता है, जिसे हम सुधारने के लिए हम कैपेसिटर किसी बोर्ड में प्लग हमारा सॉकेट खाली ही रहता है तो उस हम इस प्रकार का हम इस तरीके से इस तरीके से कंडेंसर को लाएंगे, इसमें प्लग लगा देंगे, प्लग लगाने के बाद इसमें हम लगा देंगे सॉकेट में लगा देंगे, और सॉकेट में जैसे ही लगाएंगे हमारा करंट का वैल्यू इसमें कम आने लग जाएगा, और करंट का वैल्यू कम आएगा तो बिजली बिल हमारे एनर्जी मीटर द्वारा बिजली बिल कम आएगी। इस प्रकार अपने घर के आप बिजली बिल को कम कर सकते हैं।